नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। अब वक्त हो चला है देश दुनिया शहर जिले की तमाम खास खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पांचवें फेज तक 229 सीटों पर मतदान हो गया है। 1 जून को 56 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी 1, आजसू 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आप को एक भी सीट नहीं मिली थी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर शनिवार को एक पोस्ट किया है। उन्होंने बांकुड़ा जिले रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर भाजपा का टैग लगे होने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के तमलुक में वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हो गया। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने पुलिस प्रशासन पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और अपने कार्यकर्ताओं को थाने में बंद करने का आरोप लगाया है। पुणे पोर्श केस की जांच अब पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि येरवड़ा थाना पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। मामले की आगे की जांच अब वही करेगी। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच पहले से ही आरोपी नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और घटना से पहले आरोपी ने जिन पब में शराब पी थी उनके मालिकों के खिलाफ जांच कर रही है। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर येरवड़ा थाने में पदस्थ इंस्पेक्टर राहुल जगदले और एएसआई विश्वनाथ टोड़करी को मामले की जानकारी अपने सीनियर्स को देने की प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने पर सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। एक बार उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। मैं जो भी करता हूं वो परमात्मा मुझसे कराते हैं। पीएम मोदी ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही। पीएम ने विपक्षी नेताओं की तरफ से अपनी आलोचनाओं पर कहा, मैं विपक्षी नेताओं को दुश्मन नहीं मानता, मैं उन्हें साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं किसी को कम नहीं आंकता। उन्होंने 60-70 साल तक सरकार चलाई है, मैं उनके अच्छे कामों को सीखना चाहता हूं। मोदी से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी के बारे में भी पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। इस पर मोदी ने कहा, मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है, उनकी अपनी पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है। जब हंगामा होता है तो नेताओं को कुछ दिनों के लिए बाहर कर दिया जाता है, फिर वे लौट आते हैं। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू आरआर सिग्नेचर बीएलडीसी फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम, 3 BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स या तुम नंबर से ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू, साथ ही कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms look fellow bedroom with an amazing balcony view. Sathe the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ye chahiye kahiye tumne mera se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home.
delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Bharat le raha hai electric angdai. You know hum saath chale, saath badhe, saath badhe, desh mere, desh mere. Desh ko le jaye nayi disha ki or, aapka joy, Bharat ka joy. Every New Year, we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वालिफायर दो में शुक्रवार रात राजस्थान को 36 रन से हराया। हैदराबाद 6 साल बाद इस लीग के फाइनल में पहुंची है। पिछली बार टीम 2018 में रनर अप रही थी। इस सीजन में हैदराबाद का खिताबी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 मई को चेपॉक स्टेडियम में होगा। चेन्नई में खेले गए क्वालिफायर दो मुकाबले में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। शहबाज अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 3 विकेट लिए और 18 रन भी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये याचिका लगाई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वैकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। कोर्ट ने कहा हमने लोकसभा चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देने का रवैया अपनाया है। जस्टिस दत्ता ने मौखिक टिप्पणी में कहा हमें संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एडीआर की ओर से इस बारे में 2019 में लगाई गई मूल याचिका पर चुनाव के बाद नियमित बेंच में सुनवाई होगी।